दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल फ्रूटी फटाफट आइडियाज़ पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ, आलू मटर की सब्ज़ी। ये आलू मटर की सब्ज़ी बहुत ही खास है। ये मोस्टली मेरे किचन में बनती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें हम मसालों को पीस के नहीं डाल रहे हैं, लहसुन प्याज अदरक कुछ भी पीसना नहीं है, बस आपने बारीक चॉप करना है और प्याज को मीडियम चॉप करना है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी मेथड से आलू मटर बनाने के लिए मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया। 2 बड़े चम्मच मैंने तेल गरम किया है। मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा। तेल गरम हो चुका है और अब इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ मीडियम साइज़ का तेज पत्ता। और ज़ीरा हमारा चटक गया है, अब इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ ये 2 मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्ची। मिर्ची आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार डाल सकते हैं, आप कम ज़्यादा खाते हो तो। और 1.5 इंच अदरक का बारीक कटा हुआ टुकड़ा 1.5 इंच का मैंने लिया, और 8-10 कलियाँ मैंने लहसुन की बारीक काट ली हैं। तो इन सबको अब इसी में हम छोंक लगाएंगे। मसालों को, प्याज को हल्का ब्राउन होने तक हमने भूनना है। हम सबके घरों में ज़्यादातर क्या होता है कि आलू मटर की सब्ज़ी जब बनाई जाती है तो मसालों को पीस के बनाया जाता है, जैसे प्याज लहसुन अदरक को पीस के बनाते हैं, वो अच्छी बनती है। लेकिन हर बार उसी टाइप से बना के खाने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, हर बार वही टेस्ट, थोड़ा बोर होने लगते हैं बच्चे भी घर में सभी। तो आप इस मेथड से बनाएं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। प्याज को मीडियम साइज़ में काटा हुआ है और सब चीज़ काट के मैंने लिया है, यानी खड़े मसालों के साथ बनाएंगे तो स्वाद में काफ़ी फ़र्क आता है, थोड़ा डिफरेंट टाइप की उस सब्ज़ी में टेस्ट आता है। तो आप ज़रूर इसी तरह से बनाएं। तो लीजिए, लहसुन प्याज हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, सारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं स्वाद अनुसार। और थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी, और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, ये भी ऑप्शनल है। तो अभी टमाटर डालने से पहले ये सारे मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। और अब हम इसमें डालेंगे अपना टमाटर, मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें डाल रही हूँ। अब टमाटर को भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे और इसका पानी ख़त्म ना हो जाए। तो लीजिए, टमाटर हमारा भून चुका है, इसने अब तेल छोड़ दिया है, अच्छी तरह से पक गया। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 200 ग्राम मटर, 1/2 किलो मटर थे और उन्हें छील के 200 ग्राम उसमें से दाने निकले हैं। अब इसे थोड़ा सा हमने सौते करना है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 200 ग्राम ही मेरे पास है आलू कटा हुआ। आलू भी आप थोड़े से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने मीडियम डाले हैं, ना तो बहुत ज़्यादा है मटर के हिसाब से और ना ही बहुत ज़्यादा कम है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें इस तरह से, और बहुत कम टाइम में ये बन जाएगी। कोई पीसना नहीं है इसको, मसालों को कुछ भी नहीं, और बस ऐसे ही सीधा ही आपने काट के छोंक लगा देना सब्ज़ी का। तो लीजिए, सब्ज़ी हमारी बनने की तरफ जा रही है, यानी पक रही है। और देखिए, इसमें देखने में भी कितनी खूबसूरत है और खाने में भी लजीज लग रही है ना। हाँ, ज़रूर बनाइए आप, इसमें कोई कमी नहीं रहती और बहुत ज़्यादा अलग स्वाद आता है इसका, बढ़िया। तो अभी मैं इसे सौते कर रही हूँ 2-4 मिनट के लिए, 3 या 4 मिनट के लिए। आप इसे थोड़ा सा बिना पानी के ही हमने इसे पकाना है और फिर इसमें पानी डालना है। लूची सब्ज़ी हमारी पानी के लिए तैयार हो गई है। 4 मिनट तक मैंने इसे पकाया है तेज आंच पे, और साथ के साथ में चलाते रहना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, मैं आधा लीटर पानी इसमें डाल रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतला नहीं रख रही हूँ। तो बस अब प्रेशर कुकर को हमने बंद कर देना ढक्कन से, और इसे 4 सीटी आने तक पकाएंगे, जब तक मतलब मटर गल ना जाए तब तक हमने इसे विसल देना है। तो लीजिए, सब्ज़ी हमारी बन गई है, मैंने 4-5 सीटी लगवाई हैं।
और अब मैंने ढक्कन खोल दिया इसका प्रेशर निकाल के। बस अब इसे सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसमें धनिया डालें या ना डालें, बस खा डालें। तो अब ये तैयार है, चावल रोटी चपाती, जैसे भी खाएं जैसे भी दिल करे। वैसे ये सब्ज़ी ना पूड़ी और चावल के साथ खाने के लिए ना बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो अब हम इसे करते हैं सर्व। तो लीजिए दोस्तों, सब्ज़ी हमारी बनके तैयार है, जो मेरे वाले मेथड से बनाई है, आलू मटर की बिल्कुल सादी सिंपल सी सब्ज़ी। अब ये खाने के लिए तैयार है, बस खाने की देर है। आप इसे चपाती के साथ खाएं, पूड़ी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, बस खाएं ज़रूर। और हाँ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और बना के ज़रूर खाइएगा, और फिर से मुझे बताइएगा कि आपको ये खाने में इसका स्वाद कैसा लगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आप अपना ख्याल रखिए। बाय।